हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक बीएड का असाइनमेंट जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट है हमारे पास जो असाइनमेंट आज है वो है बुक रिव्यू के ऊपर विषय आपको हमारे जो है बाहर से दिख रहा होगा पुस्तक समीक्षा ठीक है बी एड फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे मैंने जो है अपने कॉलेज का नाम छिपाया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राइट योर कॉलेज नेम हियर ओके डेकोरेशन आप देख सकते हो आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो यहाँ पे मैंने फ्लावर का यूज़ किया है जो कि मैंने क्राफ्ट के कटिंग की हुई है उसके बाद है यहाँ पे इंडेक्स तो इंडेक्स को मैं आप देख सकते हैं पुस्तक समीक्षा है पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य हैं ठीक है उसके बाद पुस्तक समीक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण है इसी तरीके से प्रारूप है कैसे लिखें ये सारी चीज़ें हमारे जो है बुक रिव्यू के अंदर आती हैं उसके बाद हमने यहाँ पे एक बुकमार्क कितने की तरह यूज़ किया है आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छी तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिखा है और नीचे से दो फ्लावर हमने जो है क्राफ्ट की तौर पे कटिंग करके हमने यहाँ पे इन्हें ग्लू किया है सिक्योर किया है ताकि तो ये और भी अच्छा लगे बेसिकली बी में आपको थोड़ा क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है अपने फाइल के असाइनमेंट में कि कितना आप क्रिएटिव हो सकते हो ठीक है एज अ टीचर तो यहाँ पे पुस्तक समीक्षा कोई ना कोई आपको जो है ऐसा थीम रखना होता है यहाँ पे मैंने एक बुक का थीम रखा है क्योंकि ये पुस्तक की समीक्षा की जा रही है तो इसलिए मैंने एक बुक को बनाया हुआ है थीम बेस्ड बना करके और इसके अंदर मैंने जो है अपना कंटेंट लिखा है कि पुस्तक समीक्षा लिखकर आप किसी पुस्तक पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि वह अच्छी है या बुरी या इस पुस्तक को लेकर आपके क्या अनुभव है इसके अलग कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ना चाहेगा तो वह आपकी पुस्तक समीक्षा पढ़कर उस पुस्तक के बारे में विचार बना सकता है ठीक है तो बेसिकली पुस्तक समीक्षा यही होती है कि पुस्तक को पढ़ने के बाद पुस्तक के बारे में बताना ही क्या है पुस्तक समीक्षा है ठीक है मतलब आप जिस पुस्तक का के बारे में लिखेंगे कोई पुस्तक आप पढ़ेंगे और उसके बारे में आप लिखेंगे फिर जब दूसरा पर्सन उस पुस्तक के बारे में समीक्षा को पढ़ेगा आपकी समीक्षा को तो वो एक थॉट जनरेट कर लेगा अपने माइंड में कि ये पुस्तक बेसिकली किस प्रकार की है ठीक है उसके बाद आता है पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य और पुस्तक समीक्षा के उदाहरण ठीक है तो उद्देश्य में है कि इससे समीक्षक पुस्तक या पुस्तकों की रचनाओं लेखकों के रचनाकर् को स्पष्ट करता है इससे पाठक का पुस्तक से परिचय कराया जाता है ठीक है यहाँ पे जूम करके मैंने थोड़ा दिखा दिया आपको ही मेरा लगभग सेम रहा है हर पेज पे जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे उदाहरण तीन तरीके के उदाहरण होते हैं पुस्तक समीक्षा के एक तो परिचयात्मक समीक्षा दूसरा विश्लेषणात्मक समीक्षा और थर्ड होता है इसमें मूल्यांकन समीक्षा ये तीन तरीके के पुस्तक समीक्षा के उदाहरण होते हैं इंट्रोडक्टरी रिव्यू एनालिटिक रिव्यू एंड एन इवोल्यूशन रिव्यू ठीक है तो ये उद्देश्य हैं तो उद्देश्य यहाँ पे पुस्तक समीक्षा के और पुस्तक समीक्षा के उदाहरण ये जो हमारा सेकंड पेज है ठीक है और डेकोरेशन इसमें भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्लावर से डेकोरेट किया है नीचे से और पेज को थोड़ा खाली खाली ना लगे तो इसलिए मैंने ऊपर से भी इस पर क्राफ्ट के क्राफ्ट से पेज जो है पेपर कटिंग कर करके लगाया है उसके बाद आता है हमारा पुस्तक समीक्षा के उदाहरणों का वर्गीकरण ठीक है अभी हमने तीन उदाहरण जो दिए थे उनका थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे कि परिचयात्मक समीक्षा में क्या होता है कि पुस्तक का सिर्फ सामान्य परिचय दिया जाता है ठीक है जैसे होता है परिचय देना ठीक है विश्लेषणात्मक समीक्षा में पुस्तक के अंदर जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उसका विश्लेषण होता है और जो थर्ड है उसमें मूल्यांकन समीक्षा में आलोचनात्मक और तुलनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है ठीक है बेसिकली उसकी तुलना की जाती है फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है अदर बुक्स से ठीक है तो तीन तरीके के आपको जो है उदाहरण आपके सामने हमने यहाँ पे लिखे हैं नेक्स्ट है आ, मेरा जो थीम है वो सेम है पुस्तक समीक्षा का प्रारूप ठीक है पुस्तक का नाम पुस्तक के लेखक प्रकाशन का नाम आई नंबर और लास्ट में होता है पुस्तक की कीमत तो इन पांच चीज़ों से हम जो है पुस्तक का एक प्रारूप जो है डिफाइन करते हैं ठीक है कि मतलब जो भी बुक का आप रिव्यू कर रहे हो उसमें क्या नाम है क्या उसके लेखक हैं किस तरीके का और जो प्रकाशन है उसका क्या नाम है ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पुस्तक समीक्षा कैसे लिखें ठीक है तो इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने हमारा वीडियो नहीं दे, देखा है गाइज तो आ, आप सिंपली हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं ठीक है कि पुस्तक समीक्षा बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर पुस्तक समीक्षा करते समय आपको किन किन बातों का तो फर्स्ट इसमें है संक्षिप्त रूप में परिस्पष्ट करें सेकंड है संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन ना करें थर्ड है पुस्तक की अन्य श्रृंखला का वर्णन करें अगर मतलब कोई बुक वन बुक टू करके आया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर वर्णन करना है नेक्स्ट है पुस्तक में आप किस बात से अधिक प्रभावित हुए इस चीज़ को आपको बताना है ठीक है बेसिकली मतलब आप जो भी उसके पात्र होते हैं उनसे रिलेट रिलेशन है यहाँ पे पुस्तक में किस बात पर अधिक प्रभावित किया और क्यों ठीक है ये भी आपका मतलब अपना एक अपना इंडिविजुअल थॉट हो सकता है पुस्तक ने आपको हंसाया रुलाया आपके कैसे इमोशन या कैसे भावनाओं को उसने जो है बढ़ाया मतलब कौन से वाले भावनाओं को हंसने वाली या फिर रोने वाली कौन से पात्र आपको वास्तविक लगे ठीक है दो तरह के, के पात्र हो सकते हैं या तो वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे मतलब तो आपको कौन सा ऐसा पात्र लगा जो रियली में आपको लगा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है मतलब ठीक है एथ पॉइंट है दृश्य किस प्रकार के थे रच सॉरी रहस्यात्मक रोमांटिक uh, या आनंदपूर्ण तो यहाँ पे तीन तरीके के हमने दृश्यों को वर्णन किया है तो कौन किस प्रकार के थे वो चीज़ आपको मेंशन करनी है कि मतलब जो कहानी थी या स्टोरी थी वो क्या चीज़ पर थी बेस्ड शब्दावली किस प्रकार की थी मतलब किस तरीके के वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए थे काफ़ी टफ थे या फिर सरल थे जो कि समझ में आ जाए इस तरीके से नाइन्थ पॉइंट यहाँ पर है चेनाइंथ हो गया है उसके बाद टेंथ पॉइंट है हमारा कि पुस्तक से जो बातें पसंद पुस्तक में जो बातें पसंद नहीं आई हमें उनका उल्लेख करें ठीक है काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद आती हैं बुक में तो उनका उल्लेख हमें पॉजिटिव चीज़ों का जो हमने अपने एक वीडियो बनाई हुई है कि पुस्तक समीक्षा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो उसमें हमने मेंशन किया है कि पॉजिटिव बातों को या पॉजिटिव जो भी आपको बुक में अच्छा दिखता है उसको आपको पहले बताना है नेगेटिव थाट्स को आपको बाद में बताना है ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पे एक बुकमार्क का यूज़ किया है और पुस्तक समीक्षा करके हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है बुकमार्क आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेन कंटेंट है वो यहीं पर से हमारा शुरू हो रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ साइड पर बुक लिखा हुआ है अब हमने पुस्तक समीक्षा लिखी है कि पुस्तक समीक्षा लिख हम किसी पुस्तक पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि वह पुस्तक अच्छी है या बुरी या पुस्तक को लेकर हमारे क्या अनुभव हैं इससे अगर कोई अन्य व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ना चाहेगा तो वह हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक समीक्षा पढ़कर उस पुस्तक या कहानी को समझ सकता है या बता सकता है कि वो पुस्तक किस प्रकार की थी ठीक है तो जिस पुस्तक का हम रिव्यू कर रहे हैं बेसिकली हमने प्रॉपर एक पूरी बुक का यहाँ पर रिव्यू नहीं किया है हमने सिर्फ एक जो है स्टोरी लेकर के उसका रिव्यू कर दिया है नेताजी का चश्मा आपको यहाँ पे दूसरे साइड दिख रहा होगा कि हमने एक बिल्कुल उस जो स्टोरी थी उससे रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर पेश की है साहित्य सागर पुस्तक का है विषय है नेताजी का चश्मा ठीक है जो हमारी स्टोरी का मेन टाइटल है लेखक इसके हैं स्वयं प्रकाश ठीक है आ, प्रकाशन का इसका नाम है एवरग्रीन पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड आई नंबर इसका नाइन थ्री मतलब जो भी ये नंबर है वो आपको बुक में मिल जाता है आप फ्रंट पेजेस में पुस्तक का जो कीमत है वो है मात्र आठ रुपये एट रुपीज़ की ये पुस्तक है ठीक है तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका दे दिया है इस साइड पे हमने नेताजी का चश्मा बताया हुआ है नीचे से हमने उनकी एक पिक्चर को भी पेस्ट किया है ठीक है ये है स्वयं प्रकाश उसके बाद है पुस्तक समीक्षा के उदाहरण वही तीनों उदाहरण परिचयात्मक और विश्लेषणात्मक और लाथार्थ मूल्यांकन तो इसको हमने थोड़ा इस वाले ही जो स्टोरी से रिलेट करते हुए हमने इसको जो है एक्सप्लेन किया है कि परिचयात्मक समीक्षा में कहानी का सामान्य परिचय दिया जाता है स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा में बताया गया है कि अपनी अपनी तरह से देश के निर्माण में कैसे सहयोग दिया जाए तथा अपनी अपने देश तथा अपने देशभक्ति का परिचय देते हुए एक सामान्य नागरिक यानी कौन था वो सामान्य नागरिक जो एक कैप्टन था उसका स्टोरी में कैप्टन चश्मे वाले उसके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा इसमें की गई है विश्लेषणात्मक में हमने बताया है कि इस कहानी में वर्णन किया जाता है कि नेताजी का चश्मा कहानी में बताया गया है कि जब एक सामान्य नागरिक यह देखता है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है तो वह हर दिन अपने चश्मे अटकाने की बांस की लकड़ी में से एक चश्मा निकाल नेताजी के मूर्ति पर लगा देता है इस कहानी से यह पता चलता है कि देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सच में देशभक्ति का ज्ञान है और वे लोग ऐसा जैसा भी चल रहा है वैसे नहीं चलने देना देते दे, दे हैं किसी भी सिचुएशन को ठीक है वो जो चीज़ सही होती है उस पर चलते हैं तो यहाँ पे हमने विश्लेषणात्मक समीक्षा में इसको थोड़ा सा यहाँ पे बताया है डिफाइन किया है मूल्यांकन समीक्षा में तुलना की जाती है जैसा कि हमें पता है इस कहानी को पढ़कर देश के प्रति खुद का सहयोग देने की जो एक हमारी मनोभावना होती है उसका यहाँ पर विकास किया जा सकता है ये यह यहाँ पर मूल्यांकन में हमने बताया है तो बेसिकली ये थे तीन उदाहरण जो हर पुस्तक समीक्षा में आपको देने होते हैं उसके बाद साइड पे हमने यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे पेश किया है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पुस्तक समीक्षा यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो एक कैप्टन है ये अपना चश्मे चश्मे वाले जो हैं वो अपना चश्मा यहाँ पर लगा रहे हैं उनकी आँखों में ठीक है तो बेसिकली स्टोरी का सारांश क्या है तो वो हम देख लेते हैं कि नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार एक सामान्य नागरिक कै, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा कर रहे हैं जो अपनी अपनी तरह से देश की सेवा या देश के निर्माण में सहयोग देते हैं तथा अपनी देशभक्ति का वो परिचय देता है, ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने कंटेंट लिखा है ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा ही लिखें ठीक है आपको जिस प्रकार से वो स्टोरी समझ में आती है आप उस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है तो बेसिकली उसके लिए आपको पहले पुस्तक समीक्षा आपको जिस बुक की करनी है या जिस चैप्टर या जिस स्टोरी की करनी है जिस नोवेल की आपको पुस्तक समीक्षा करनी है उसको आपको करीबन एक या दो बार पढ़ना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपको जो चीज़ें याद रहती हैं जो चीज़ें अच्छी चीज़ें या फिर जो मेन चीज़ें उस आ, बुक में या उस स्टोरी में बताई गई है वो जो आपको याद रहती है उसको आपको एज अ सारांश के रूप में लिखना है ठीक है जो भी अच्छी चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें जो भी आपको याद रहती है थी, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होती है अपना बुक रिव्यू करते समय फिर है कहानी से संबंधित प्रभावी बातें तो कौन सी है स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा में सबसे प्रभावित करने वाली बात तब दिखी जब नेताजी की मूर्ति पर हर दिन नया चश्मा लगाने वाला कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई किंतु नेताजी की आंखों पर चश्मे लगाने का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ उसी गाँव के बच्चों द्वारा बनाई गई सरकंडे की लकड़ी का चश्मा अब नेताजी की मूर्ति पर लगा तो यह इस कहानी को एक सुखद अंत की ओर मोड़ देता है कि मतलब जो एक सिलसिला था वो वहीं पर नहीं रुका सिर्फ कैप्टन चश्मे वाले पे तो उनको देख करके जो वहाँ के बच्चे थे उन्होंने वो चीज़ सीखी और उन्होंने भले अपने लकड़ी से उस उनका चश्मा पर तैयार किया पर उन्होंने एक तैयार किया ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि जो है कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद जो है उनके आंखों पर चश्मा नहीं लगा सुभाष चंद्र जी की बॉस के की जो स्टैचू उनका था ठीक है यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैंने एक फ्लावर यहाँ पे लगाए हुए आपको देख सकते हैं पेज को आपको बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपका जितना भी कंटेंट है उसको आप एज अ पेपर जितना भी आपका छूटेगा उसे आप एज अ डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो क्या सीख हमें मिली साहित्य सागर पुस्तक की कहानी नेताजी का चश्मा में हमें यह सीख मिलती है कि हमें देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति यहाँ तक कि बच्चों की भावनाओं का आदर करना चाहिए क्योंकि वे लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीके और सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं हमें किसी भी आ, के भी छोटे से छोटे योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें आगे ऐसे कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी अपने देश और देश की आन आ, देश की जो है आज़ादी दिलाने वाले जो भी वीर थे उनका सम्मान करेंगे वो ऐसा उनमें जो है जागृत होगा उनकी जो भावनाएं हैं ऐसी जागृत होंगी ठीक है तो बेसिकली हमें उनकी ऐसी बातों पर उपहास नहीं करना चाहिए कि वो चाहिए क्या चीज़ कर रहे हो तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए ठीक है तो ये बेसिकली हमें पुस्तक से मिली सीख है यहाँ पर भी मैंने नीचे से थोड़ा डेकोरेट कर दिया है इसे थोड़ा सा मेरा जो है पेज रह रहा था तो मैंने हल्का सा यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ पे लगा दिया है तो थोड़ा सा मैंने इसे कवर करने की कोशिश की है ठीक है आप भी अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हो इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू ओके कि मतलब आप किस तरीके से डेकोरेशन चाहते हो ठीक है हाथ से क्रिएटिविटी दिखाओगे काफ़ी अच्छा है आपको अच्छा रहेगा मतलब ज़रूरी नहीं आप कोई फ्लावर वगैरह खरीद करके लेके आओ ये भी है लास्ट में आता है हमारे पास निष्कर्ष यानी कि नेताजी का चश्मा कहानी से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपनी अपनी तरफ से अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं हमें किसी के छोटे थोड़े से योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए तथा ऐसे लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए जो देशभक्ति के लिए हमेशा आगे रहते हैं तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पे लिखा है ठीक है जितना पेज आप बच रहा है मैं फिर से कह रही हूं आप उसे एज अ डेकोरेशन करने के लिए यूज कर सकते हो आप डेकोरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू ओके वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें ठीक है तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंटेंट निष्कर्ष का रखा हुआ था तो आई होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ठीक है तो अगर इन असाइनमेंट्स के आपको पी फ़ाइल चाहिए तो उसका जो है प्राइस मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो भी अपलोड करी हुई है उसमें मैंने डिटेल अपना जो है इसका प्राइस हमने मेंशन किया है टू हंड्रेड रुपीज़ पर असाइनमेंट हम जो है पेड करते हैं आ, इस इन पीडीएफ इन असाइनमेंट्स की पीडीएफ के लिए ठीक है तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं थैंक यू सो मच